पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने 75वें जन्मदिवस के मौके पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अम्बाला सिटी के करण पैलेस में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक यह शिविर लगाया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, सांसद कार्तिकेय शर्मा, अम्बाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है। रक्तदाताओं का उत्साह भी बढ़ाया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के परिवार के सदस्यों ने भी रक्तदान किया है। दामाद डॉक्टर राजेंद्र शेट्टी ने भी यहां पर रक्तदान करके ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का 75वां जन्म दिवस था, जिसके वजह से यहां पर देखिए रक्तदान का ये कैंप लगा। देखिए एक ऐसा एक ये पहल है कि जो हमेशा हमें सोसाइटी में, समाज में याद दिलाती है कि हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है। और पिताजी के जन्मदिन पे उसके उपलक्ष्य में इससे अच्छा क्या काम हो सकता है कि कुछ लोगों की मदद कर सके इस कार्यक्रम के द्वारा। तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की उत्सुकता थी, बहुत भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और आज भी एक नया कीर्तिमान बनेगा कितने लोग इसमें जुड़ के इसमें शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और कहाँ कहाँ जाकर किन किन लोगों की इससे सहायता होगी, इससे आज अच्छा उदाहरण हो सकता है। मैं सारे डॉक्टरों का और अपने सारे साथियों का, सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने में, और पूरे पूरे अम्बाला शहर का, क्षेत्र का, यहाँ के सभी लोगों ने बहुत मेहनत करते हैं हमेशा। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई कैंप पहले भी लगाए गए हैं। आज इसकी भव्यता और विशालता को देखते हुए सिर्फ ये है कि माननीय विनोद शर्मा जी के जन्मदिन के ऊपर सबने मिलकर फैसला किया कि हम आज एक और नया कीर्तिमान बनाएंगे कि किस तादाद में रक्तदान किया जाए। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, डॉक्टरों का, हमारे साथियों का जिन्होंने अपना समय निकाला आके अपना रक्तदान किया, और हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि ब्लड की ऐसी है कि हर किसी को हॉस्पिटल्स में आप जाइए बहुत ज़रूरत होती है और उस वक्त कहीं से भी कोशिश करते हैं बच्चों को नहीं मिलता है। ब्लड बैंक्स जो इकट्ठा करते हैं तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस वक्त जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि आप इनको हमारे ऑनर में दे सकते हैं। पर लेकिन खास करके जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके जज्बे के लिए और उनकी सोच के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज स्पेशली विनोद जी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में वो सब अपने आप वॉलंटियर करके ब्लड डोनेट करने आए, तो उनका दिल से धन्यवाद। लोग भी खुद पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत लोग आ रहे हैं और ये लोगों का प्यार है जो भरपूर प्यार अम्बाला से हमें मिलता है हर बार, और इस बार भी वैसे ही की तरफ से वैक्सीनेशन, वी ऑलवेज नीड ब्लड फॉर द पेशेंट्स, और यहाँ अम्बाला के लोगों का जो प्यार है उसका तो एक उदाहरण है। बर्थडे के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम फॉर डोनेटिंग ब्लड, गो इन अ लॉन्ग वे। अच्छा है कितना जरूरी भी मानते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, कितना जरूरी भी मानते हैं। हाँ, ये तो है सबके लिए अच्छा है, इसका भी नुकसान तो है नहीं। ब्लड डोनेशन तो एक अच्छी, बहुत से लोग तो बहुत बार करते हैं, कोई लोग 3-3 महीने में एक बार, कई लोग महीने में एक बार दे देते हैं। एक सेवा है, सेवा भाव से जिससे लोगों को फायदा होता है और कई बार जिंदगियां बचती हैं बहुत सारी। आप लोगों का एक बार दिया हुआ ब्लड किसी के काम आता है, उसकी जिंदगी बचती है, वो आपको दुआएं देता है। ये सोसाइटी का काम है, समाज का काम है, अच्छा काम है।